H3, वही कॉमन मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, ठीक है, क्योंकि उसकी वैलेंसी ज्यादा है, हमें यहाँ पे दिखाई दे रही कि वैलेंसी ज्यादा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। ओके, 6 किसका होता है? कार्बन का। कार्बन। कार्बन। ओके, सो नाइट्रोजन का फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2.5। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमारी ये होगी फर्स्ट स्टेज। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 1, 2, 3, 4 and 5। उसके बाद बॉन्ड्स लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो अकेले इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको हम बॉन्डिंग में डाल देंगे, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अकेला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 bond = 2 electrons, ठीक है। और इसको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर, ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग में है इसलिए इसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो ऐसे कितने बॉन्ड पेयर NH3 में है? 3 बॉन्ड पेयर। ओके, सबको समझ में आ गया? यस सर। नाउ लोन पेयर, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कोई बॉन्ड नहीं बना रहा।